10 साल बाद कबीरा जेल से छूटकर अपने शहर आया, हर कोई पर नजर नहीं आया। एक ऐसे अभिनेता जिनके चेहरे पर हमेशा भावनाओं का तूफान और आंखों में किरदार का चरित्र नजर आता है, जो अपने हर किरदार को निभाते हुए ये एहसास करा जाता है कि उनके बिना इस किरदार की कोई पहचान ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिने जगत के मशहूर खलनायक अभिनेता प्राण की। धोखा दे दे दोस्त को, अब देख कबीरा आया। 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारन इलाके में जन्मे प्राण साहब ने बतौर फोटोग्राफर लाहौर में अपना करियर शुरू किया, मगर 1940 में सफल पंजाबी फिल्म यमला जट में उन्हें पहली बार काम करने का अवसर मिला। साल 1948 में मुंबई जाकर उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जिद्दी फिल्म के साथ की थी। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर। अमिताभ बच्चन के अभिनय करियर को बदलने वाली फिल्म जंजीर के किरदार विजय के लिए निर्देशक प्रकाश मेहरा को प्राण साहब ने ही नाम सुझाया था। प्राण के द्वारा निभाया किरदार शेर खान आज भी सिने पर्दे पर सबसे सशक्त किरदारों में से एक है। प्राण ने फिल्म राम और श्याम में खलनायक की जबरदस्त तस्वीर पेश की। इस किरदार की सफलता इसी से आंकी जा सकती है कि असल जिंदगी में भी लोग उन्हें खराब चरित्र वाला व्यक्ति मानने लगे थे। मेरे मना करने के बावजूद इसकी ये जुरत, आज मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वही फिल्म उपकार के मंगल चाचा की भूमिका निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सकारात्मक भूमिका भी निभाकर दर्शकों का बे इंतहा प्यार और सम्मान हासिल कर सकते हैं। प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। प्राण ने बॉलीवुड की लगभग 350 फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। बॉबी, मधुमति, खानदान, औरत, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, डॉन, जंजीर और हीर रांझा उनकी कुछ मशहूर फिल्में रही हैं। ना तुमको फिक्र, ना भाई को गम घराने का। प्राण को फिल्म उपकार, आंसू बन गए फूल और बेईमान के लिए 3 फिल्म फेयर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से नवाजा गया। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। ये प्राण साहब के अभिनय का ही कमाल है कि वो जिस रंग में जब भी सिने पर्दे पर आए, दर्शक उनके अभिनय से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सृजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।